अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, तो लाइक और शेयर करना और हाँ कमेंट कर जरूर बताना और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। योयो कॉलेज में मस्त होके सो रही थी जब उसे याद आता है कि आज तो उसका इंटरव्यू है, तो वो साइकिल लेके भागती है। मॉम उसे फोन पे बताती है कि मैंने तेरी ज़ाओहो के साथ ब्लाइंड डेट फिक्स कर दी। इधर से कंपनी का सीईओ आ रहा था और योयो साइकिल से उड़कर उसे लेकर ही गिर जाती है, तो फिर उससे माफी मांगती है। सीईओ शो नहीं करता बट उसे बहुत पेन हो रहा था। योयो ब्लाइंड डेट पे जानबूझ के गुंडी बन के आती है ताकि ज़ाओहो को भगा दे। वहीं पे सीईओ भी ब्लाइंड डेट पे आया होता है जिसमें वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं लग रहा था। अपनी मॉम को देख वो छुपने चाहती है और वहीं पे सीईओ भी छुपा हुआ था, पर उसे देख लड़की भाग जाती है। मॉम के सामने योयो भी उसे अपना बॉयफ्रेंड बता देती है। मॉम भी सीईओ को ज़ाओहो समझ के टाइम स्पेंड करने को बोलकर चली जाती है। नेक्स्ट डे कंपनी में सीईओ की फियांसे फीफी आई थी, पर तभी योयो इंटरव्यू के लिए आ जाती है तो सीईओ योयो को अपनी गर्लफ्रेंड बता रहा था। योयो भी उसकी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक करती है क्योंकि उसे लग रहा था कि उसे एक्टिंग करनी है, तो फीफे भाग जाती है। देन योयो वाज लाइक मुझे इंटरव्यू में फुल मार्क्स मिले हैं ना, वो मना करता है तो वो भागने लगी थी, बट वो उसे पकड़ के कहता है मेरी असिस्टेंट बन जाओ सैलरी 2 लाख मिलेंगी। वो नहीं मानती पर वो 5 लाख देने को कहता है तो वो मान जाती है। एक लड़का योयो की ड्रॉइंग बना रहा था, इनफैक्ट कॉलेज टाइम पे योयो ने उसकी क्लास ढूंढने में हेल्प की थी और वो उसका फ्रेंड भी है। सीईओ योयो को घर छोड़ने आता है तो उसकी मॉम और फ्रेंड देख लेते हैं। फिर क्या, मॉम तो मार मार के उसका पिछवाड़ा सुझा देती है, पर फिर कहती है मुझे नहीं पता था कि वो ज़ाओहो था, पर उसके पास कार कैसे आई। योयो झूठ बोल देती है कि वो ड्राइवर है और उसके बॉस की कार थी, और फिर फ्रेंड से कहती है तूने मुझे मॉम से बचाया क्यों नहीं। नेक्स्ट डे वो मजे से सो रही थी तो सीईओ से खाने की खुशबू सुंघाता है और फिर उसे बीमार समझ के छुट्टी दे देता है। स्कूल पार्टी में वो पीपी का टल्ली हो रही थी। लिन उसे घर छोड़ने कहता है पर फ्रेंड उसे खुद ही पकड़ के ले जा रही थी। सीईओ देख लेता है तो वो उसे टांग कर कार में ले जाता है, जबकि लिन ये देख के सैड होता है। मॉर्निंग में मॉम उसे बताती है कि तुझे ज़ाओहो छोड़ने आया था तो अब उसे डिनर पे ले आना। वो मना करती है तो मॉम उसे मारने वाली थी बट उनकी कमर में लचक आ जाती है। वो उन्हें हॉस्पिटल लेके आते हैं पर मॉम तो उसे ज़ाओहो से मिलवाने की जिद कर रही थी तो वो हाँ कर देती है। इधर आंटी सीईओ की शादी फीफे से करने को बोल रही थी बट वो मना कर रहा था, और तभी योयो आ जाती है तो वो उसे पकड़कर किस कर देता है। वो कुछ बोलती तो वो उसका मुंह बंद कर देता है, पर फीफे गुस्से में थी। सीईओ किस के लिए योयो को सॉरी बोलता है बट वो बहुत ज्यादा गुस्से में थी तो थप्पड़ लगा देती है और फिर किस करने लगी थी। सीईओ हैरान तो वो कहती है बदला पूरा हुआ, अब तुम्हें मेरी मॉम से मिलना होगा। तो वो दोनों कपल बन के आते हैं। मॉम मजे से स्पाइसी खा रही थी पर उन्हें देख पेशेंट बन जाती है और सीईओ को देख कहती है कितना हैंडसम दामाद है मेरा, ए इसे एप्पल खिला, तो वो उसके मुंह में एप्पल ठूस देती है। वो काम का बोलकर उसे बाहर खींच लाती है। योयो लिन को पुअर समझ रही थी बट वो रियल में बहुत रिच है और उसका योयो पर सीक्रेट क्रश है, तो वो उसकी ड्रॉइंग देखकर पूछता है क्या तुम ज़ाओहो को लव करती हो, बट वो बताती है कि मैं बस नाटक कर रही हूँ मॉम की ब्लाइंड डेट से बचने का। मॉम को डर था कि कहीं योयो ब्रेकअप ना कर ले, इसलिए दूसरे पेशेंट उन्हें योयो की ज़ाओहो से शादी कराने की एडवाइस देते हैं। तो मॉम योयो को कहती है मैं बूढ़ी हो गई हूँ और मरने से पहले तेरी शादी होता देखना चाहती हूँ। तो योयो सीईओ से जाके कहती है मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। वो हैरान था बट फीफे से तो वो भी बचना चाहता था, इसलिए कहता है मैं तुमसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करने के लिए रेडी हूँ पर मेरी कुछ कंडीशंस हैं। पहला, किसी को शादी के कॉन्ट्रैक्ट का पता ना चले। दूसरा, हमें एक ही घर में रहना होगा और सबके सामने कपल होने का नाटक करना होगा। फिर वो वेडिंग ड्रेस पहनते हैं पर फोटोज खिंचवाते टाइम दूर हो रहे थे तो कैमरामैन उन्हें क्लोज होने को कहता है। फ्रेंड ये देख के उनकी फोटो मॉम को सेंड कर देती है, इसलिए मॉम तो बहुत खुश हो रही थी। शादी के बाद योयो सीईओ के घर आती है पर उसके बैग से कुछ गिरता है तो वो देखने लगता है, बट वो तो उसकी आइस में गिर जाता है जिससे उसे मिर्ची लग रही थी क्योंकि वो तो स्प्रे था। इनफैक्ट वो बहुत सारे हथियार लेके आई थी ताकि अगर सीईओ ने उसे हाथ लगाने की कोशिश की तो वो उसे ठोक डालेगी, इसलिए बदला लेने के लिए सीईओ नेक्स्ट डे उसे अपनी कार से ऑफिस नहीं लेके जाता, इसलिए उसे साइकिल से जाना पड़ रहा था। उसे स्पाइसी खाता देख सीईओ से हल्दी खाने कहता है, बट वो तो उसे भी ढाबे पे स्पाइसी खिलाने ले आती है जहाँ भी उसे लिन मिल जाता है। जब वो डिश लेने जाती है तो लिन सीईओ को योयो से दूर रहने को कहता है।
सीओ कहता है योयो मेरी, पर तभी योयो आ जाती है तो वो छुप हो जाता है और वो उसे काम का बोलकर घर ले आता है। पर योयो घर आके देखती है कि उसे तो कोई भी काम नहीं है, तो कहती है तुमने झूठ बोला ना, अभी तुम्हारी आईस में देख के बताती हूँ। और उसकी आईस में देखने वाली थी, बट वो उसे पकड़ के घूरने लगता है तो वो नजरें चुराती है और वो सोने चला जाता है। आंटी फीफी और सीओ की शादी की बात करने सीओ के स्टेप मॉम के पास आ जाती है, क्योंकि मॉम डैड की डेथ के बाद सीओ के सिर्फ स्टेप मॉम ही है। इधर उसी सीन को याद कर योयो की हार्ट बीट फास्ट हो रही थी, इसलिए वो ड्रिंक करने आ जाती है, बट वो सीओ को बिना बताए चली गई थी, इसलिए वो उसे फोन कर रहा था, पर वो तो बेहोश थी। सीओ को इमेजिन हो रहा था कि वो लिन को लाइक कर रही होगी और देखता है कि लिन उसे पकड़ के ले जा रहा है, तो जेलस हो रहा था और योयो को अपनी कार में भेजकर लिन से कहता है वो मेरी वाइफ है तो उसे दूर रहना। लिन तो एकदम हैरान था। सीओ डेली योयो को घर लेके आता है और होश में आते ही वो कहती है मैं आगे से कहीं जाने से पहले तुम्हें बता दिया करूंगी। वो गुस्सा था तो उसे बॉस बॉस कह के मनाने लगती है, बट वो नहीं मानता तो कहती है हबी प्लीज मान जाओ। पर सीओ से सोफे पे गिरा के किस करने लगता है, पर फिर दूर हो जाता है। वो कहती है अब तो तुम गुस्सा नहीं हो। वो उसे ब्रेसलेट पहना के कहता है इसे कभी भी मत उतारना तो मैं तुमसे गुस्सा नहीं होऊंगा। वो हाँ कर देती है। इधर फियांसे को सीओ और योयो की शादी के बारे में पता चल गया था, तो वो लिन से हाथ मिलाने चाहती है, क्योंकि लिन के पास भी सीओ की कंपनी के शेयर्स थे। स्टेप मॉम सीओ को फीफे से शादी करने कहती है, क्योंकि फीफे के भाई के पास सीओ की कंपनी के बहुत सारे शेयर्स हैं, और योयो से शादी करने वाली बात पे गुस्सा करती है, इसलिए वो योयो को बताती है कि ये ब्रेसलेट सीओ की बर्थ मॉम का है और कंपनी अभी प्रॉब्लम में है, अगर तुम सीओ को सच में बहुत लव करती हो तो उसे छोड़कर चली जाओ। योयो देखती है कि कंपनी की खराब हालत की वजह से सीओ परेशान है, तो उसे कहती है हमें कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देना चाहिए, वैसे भी ये फेक मैरिज तो है। पर सीओ मना कर रहा था, बट वो उसे ब्रेसलेट वापस दे देती है और फिर सीओ के घर से अपना सामान लेकर चली जाती है, जबकि सीओ सैड था। स्टेप मॉम झूठ बोल देती है कि योयो तुम्हें छोड़ने के लिए मुझसे $2 मिलियन लेके गई है। सीओ कहता है वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं है, जरूर आपने उसके साथ कुछ किया होगा। पर स्टेप मॉम उसके थपड़ा लगा देती हैं। इधर योयो की मॉम को जब फेक मैरिज का पता चलता है तो वो उसे सैड देख रोने लगती हैं। सीओ फीफे को समझाने की कोशिश करता है, बट वो तो शादी की जिद पे अड़ी हुई थी। काफी मुश्किलों के बाद योयो को एक जॉब मिल जाती है, पर हील की वजह से उसके पैरों में घाव हो गए थे, इसलिए वो गिर जाती है। लिन उसकी हेल्प करता है। लिन उसे सीओ के बारे में पूछता है तो वो बताती है कि हमने फेक मैरिज की थी। फिर लिन उसे शोल्डर पे टांग के ले जाने लगा था, बट वो खुद से चली जाती है। इधर टीवी पे सीओ और फीफे की शादी की न्यूज आ रही थी, तो योयो सैड होती है। फीफे सीओ पे ट्राई मारने चाहती है, बट वो उसे दूर कर देता है। लिन योयो को कन्फेस कर देता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, बट योयो तो उसे अपना फ्रेंड मानती है, इसलिए वो दोनों फ्रेंड्स बनने का डिसाइड करते हैं। पर कोई उनकी फोटो खींच लेता है। लिन उसे बताता है कि मेरी कंपनी के पास भी सीओ की कंपनी की शेयर्स हैं। फीफे को जब लिन के रिजेक्शन का पता चलता है तो वो गुंडे को ऑर्डर दे देती है कि योयो को सीओ के आसपास भी मत भटकने देना। योयो को सैड देख फ्रेंड उसे कहती है कि सीओ अब भी तुझे लाइक करता है तो तू उसके पास चली क्यों नहीं जाती, वरना बाद में बहुत पछताएगी। योयो भी डिसाइड करती है कि वो एक बार तो सीओ को अपना लव कन्फेस जरूर करेगी और भागती है, पर गुंडा उसे किडनैप कर लेता है। फीफे फोटो दिखा के सीओ को झूठ बोल देती है कि योयो और लिन डेटिंग कर रहे हैं, पर उसे लगता है वो झूठ बोल रही है, पर ना ही योयो का फोन लग रहा था। सीओ की फीफे से शादी होने वाली थी, बट वो योयो को मिस कर रहा था। सीओ को अभी उसकी बात पे यकीन नहीं आ रहा था, तो फीफे कहती है अगर तू योयो को जिंदा देखना चाहता है तो चुपचाप कल मीडिया के सामने मुझसे शादी करनी होगी। इधर लिन को किसी का फोन आता है। नेक्स्ट डे फीफे की शादी होने वाली थी, पर सीओ काफी टाइम से बाहर नहीं आया था और उसकी जगह पे लिन खड़ा था। इनफैक्ट सीओ तो वहाँ से भाग गया था, तो फीफे गुस्से में थी क्योंकि सब बाहर वेट कर रहे थे। काफी मुश्किलों के बाद सीओ योयो को ढूंढ लेता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं योयो और सीओ शादी के लिए वेडिंग ड्रेस पहन रहे थे, क्योंकि अब उनके रियल में शादी हो जाती है और दोनों किस करते हैं, और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ स्टोरी का एंड हो जाता है। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे एक न्यू स्टोरी में।